वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों आज मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ जीडीपी प्रेडिक्शन बाय डिफरेंट बॉडीज़। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है एसबीआई का, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ का और क्लर्क का भी लगातार होते जा रहे हैं। एडमिट कार्ड भी आ गए हैं कई एग्ज़ाम्स के। तो मैं कुछ ऐसे करंट और ये स्टैटिक टॉपिक हैं जीडीपी जो कि चेंज नहीं होने वाले हैं, लेकिन हाँ ये है कि हर साल ये अलग अलग एजेंसीज प्रोजेक्ट करती है कि इंडिया की जीडीपी कहाँ तक हो सकती है, प्रोजेक्ट करती है कहाँ तक हो सकती है। और 2021 में और 2022 में दो ईयर है फाइनेंशियल ईयर, एक अपकमिंग और एक जो प्रेजेंट में चल रहा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्या प्रोडिक्शन की है वो आज मैं इस पूरे वीडियो में कंपाइल करके लेके आया हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें ये लेके आया हूं कि आखिरकार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं डेफिनेशन के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट मंथ की इनकी वैल्यू भी लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले आप ये बताइए कि आखिरकार जीडीपी क्या होती है, व्हाट इज़ जीडीपी। कुछ भी क्लिक करें, कुछ भी माइंड में आ रहा है तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए। देखिए जीडीपी क्या होती है, जीडीपी इज़ जनरली अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी हाँ, ग्रॉस मतलब एक सम है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो आखिरकार क्या होता है जीडीपी, तो ये सिंपली एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स दैट, अब देखिए क्या होता है। देखिए जीडीपी इज़ अ सम ऑफ अ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब कि जितनी भी वैल्यूज़, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं विद इन अ टेरिटरी ऑफ कंट्री, मीन्स दैट कि उनकी बाउंड्री के अंदर अंदर, विदेशों में नहीं, हमारे बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है हर एक सेक्टर में, कोई सा भी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में एक पर्टिकुलर ईयर में, उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है या जो हमें उससे फ़ायदा या मुनाफा हो रहा है उसका सम किया जाए तो उसको हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है, और जीडीपी क्या है, ओनली फाइनल गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं। तो देखिए जीडीपी में आपको डायग्राम के थ्रू दिख रहा होगा कि पर्सनल कंजप्शन भी आ रहा है, गवर्नमेंटल स्पेंडिंग भी आ रही है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना इंपोर्ट है ये भी गिना जाता है, और बैंकिंग इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये टोटल चार पॉइंट थे कैसे कैसे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। अब देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने जिन्होंने प्रेडिक्ट किया है ये जीडीपी के बारे में वो आपके सामने आ गए हैं। देखिए S&P एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रेडिक्ट करती है कि 9.5 जीडीपी जाएगी इसकी इस साल। मॉर्गन स्टेनले एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बताया है कि 10.5 हो सकती है। INDRA इंडिया रेटिंग, ये है 9.4। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये है 9.5। केयर रेटिंग्स, ये है 8.8 से 9 तक। और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये है 10%। तो ये दोस्तों कुछ थे आपके ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं वो मेंशन करेंगे कमेंट सेशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बैच। देखिए फिनटेक रेटिंग, फिनटेक रेटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 10% जा सकती है। CII ठीक है, वो 9.5 बता रही है। इकरा ICRA ये बता रहे हैं 8.5%। वर्ल्ड बैंक ये बता रहे हैं 8.3%। क्रिसिल बता रहे हैं 9.5% और मूडीज़ ये बता रहे हैं 9.3%। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कुछ क्या है, सेम रेटिंग है। तो आप ऐसा कीजिए कि जिसकी जिसकी सेम है उसको एक बैच में करके उनका एक परसेंटेज याद कर लीजिए। ये याद करने के तरीके हैं और मैं इस वीडियो में बार बार रिपीट करूँगा ये रेटिंग्स, तो आपको याद भी हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा SBI बताता है कि 7.9% है इसकी प्रोडिक्शन वैल्यू। OECD ये बताता है 9.9 है। बारक्लेज ये बताता है 9.2। HDFC बैंक 10%। नोमुरा बताता है 10.8% और RBI 9.5%। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें SBI, HDFC और RBI तीन बैंक हैं और आप बैंकिंग के पेपर देने जा रहे हैं, है ना, वो भी मेंस एग्जामिनेशन। तो ये जाहिर सी बात है कि ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है, एक नंबर का डेफिनेटली पूछा जा सकता है GA के सेशन में। ठीक है, कौन सा बैंक कितने प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपके सामने है UNCTAD, ये ऑर्गेनाइजेशन है UN की। उन्होंने 2021 कैलेंडर जो ईयर है उसमें बताया है 7.2% का GDP। ठीक है, और कैलेंडर ईयर 2022 में बताया है 6.7% का। तो फ्रेंड्स ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको स्लाइड में लेके आया हूँ। ठीक है, दोनों ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का आप लर्न कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ मूडीज़ का। देखिए
2021 में अभी हमने देखा है कि मूडीज़ ने कितना बताया प्रोडक्शन 9.6% का। अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 2022 की, तो जिस प्रकार से ये ग्रोथ ईयर देखते हुए इन्होंने बताया है कि 22 में ये अपना प्रोडक्शन देते हैं 7% का, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपना प्रोडक्शन डिक्रीज़ किया है, ठीक है। तो उसको आप याद करके रखिएगा कि कैसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब डिक्रीज़ करी, कब कौन सी इंक्रीज़ करिए। अब देखिए यूनाइटेड नेशन है ना, संयुक्त राष्ट्र, उन्होंने बताया है फाइनेंशियल ईयर 2021 का 7.5%। अब इन्होंने 2022 का नहीं बताया है, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये अपना देखेंगे तो बताएंगे। अच्छा, अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ आरबीआई की बाई मंथली रेटिंग। दोस्तों ये क्या है, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके मेंस एग्जामिनेशन की, क्यों, क्योंकि ये कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा मैं आज में। और आप जैसे जानते हैं कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी आरबीआई के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो उस पे वीडियो अपलोडेड हो चुकी हैं, तो जिन व्यूवर्स ने नहीं देखा है जल्दी से आइए, पहले वो देखिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और MSF, दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा हर क्वार्टरली महीने पे, मंथली महीने पे, मतलब 3 महीने पे एक बार ये चेंज होता है, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35% और MSF है 4.25। तो आप इसको ध्यान रखिए। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, बैंक रेट है 4.25%, CRR है 4% और SLR है 18%। दोस्तों ये हो सकता है कि GS सेशन में, मतलब जो करंट अफेयर का सेशन, उसमें ये डेफिनेशन भी दे दे, तब डेफिनेशन भी एक बार देख के जाइएगा। दोस्तों रियल GDP ग्रोथ प्रोजेक्टेड बाय, ये रियल GDP ग्रोथ है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको, कि जो RBI है उन्होंने 2021 के फाइनेंशियल ईयर में बताया है 9.5%। करेंट अकाउंट सरप्लस इन फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना है, अकाउंट सरप्लस है, ये है 0.9% ऑफ GDP। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो करेंट अकाउंट डिफिशियंट इन फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना था, वो 0.9% था GDP का। तो दोस्तों ये दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल थी। अब देखिए ये कुछ लेके आया हूँ मैं, क्या EY इंडिया करके उन्होंने GDP ग्रोथ कितनी दी रखी है, 8%। इकरा दिया है 9.5 से 10.5%। क्रिसिल दिया हुआ है 10%। SBI रिसर्च बता रहा है 10 से 11 के बीच में, और क्वांट इको रिसर्च वो बताते हैं 11.5%। दोस्तों ये था रियल GDP और साथ में इनका नॉमिनल GDP ग्रोथ। तो EY का ये है 11 to 11.5%, इकरा का है 13.5% to 14.5%, क्रिसिल का है 14% और SBI का है 14.5 से 15% और क्वांट इको का है 15.5%। दोस्तों नॉमिनल GDP ग्रोथ अलग है और रियल GDP ग्रोथ अलग है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के दीजिएगा। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कुछ कंट्रीज़ का। देखिए इंडिया का अभी प्रेजेंट में, देखिए जो लाल कलर का है, रेड कलर का है, वो 2021 के बारे में बताया है, और जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो 2022 का बताया है, ठीक है। देखिए इंडिया का 9.5% है 2021 में, और 2022 में है 8.5%। सिमिलरली चाइना का है 8.1% और 2022 में है 5.7। वहीं अगर बात की जाए US की, तो 2021 में है 7% और 2022 में है वो 4.9%। सिमिलरली UK का 7% और 2022 में है 4.8%। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, जिसका एब्रिवेशन है दोस्तों CPI। तो क्या आपको पता है कि आखिरकार ये क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज रिलीज बाय अ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसको कहते हैं NSO। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि NSO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है। और ये ऑफिस आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों अब मैं आपको पीचेस लेके चल रहा हूँ, मीन्स दैट अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, ऐसे करके करते जनवरी तक ले जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी रेटिंग आपको दे रखी है, अगस्त में कितनी है 5.30, जुलाई में कितनी है 5.59, जून में है 6.26% और मई में है 6.30%। दोस्तों ये रिवर्स ऑर्डर में बताया है मैंने आपको, मंथली में CPI, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 मंथ का। दोस्तों अप्रैल में है 4.29%, मार्च में है 5.52%,
और फरवरी में है 5.03% और जनवरी में है 4.06%। दोस्तों अभी से लेकर, मतलब मैं बना रहा हूँ वीडियो सितंबर में, तो अगस्त से लेकर प्रीवियस जनवरी तक का ये था। अब दोस्तों आपके सामने है होल सेल प्राइस इंडेक्स। आखिरकार ये WPI क्या होता है, इसको कौन रिलीज करता है, चलिए जानते हैं। होल सेल प्राइस इंडेक्स WPI आर पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अब ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताइए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अभी कौन है इंचार्ज, और ये WPI जो ऑफिस होगा इनका वो कहाँ पे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगस्त में है 11.39%, जुलाई में है 11.16%, जून में है 12.07% और मई में फ्रेंड्स ये 12.94% का। और अभी करंट में जुलाई का जो जून का आया हुआ है वो करंट अफेयर में आया हुआ है न्यूज़, ठीक है। देखिए अप्रैल का है 10.49%, मार्च का था 7.40%, फरवरी का था 4.17% और जनवरी का था 2.03%। तो आप देख सकते हैं कि ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो रहा है टिल द जुलाई, ठीक है, और फिर अगस्त में भी रिलीज हुआ है। दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को देता हूँ यहीं पे विराम, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। और दोस्तों अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आपके इस छोटे से प्रयास से कई लोगों का भला हो सकता है, वो लोग भी करंट अफेयर के इस टॉपिक को में अच्छा स्कोर कर सकते हैं।